गुड मॉर्निंग बच्चों, चलिए आइए आज हम लोग देखते हैं इंस्ट्रक्शन सेट ऑफ 8086। तो 8086 में हमारे पास किस टाइप के इंस्ट्रक्शन सेट होते हैं, कितने ग्रुपिंग की गई है इंस्ट्रक्शन सेट की, और लाइन बाय लाइन उसको भी देखेंगे कि उसके लिए कौन कौन से एग्जांपल है। उसके साथ साथ ही हम सारे ग्रुप्स को चेक करते हैं कि हमारे पास कौन कौन से इंस्ट्रक्शन अवेलेबल हैं 8085 में। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं, मैंने कुछ लाइन से लिस्ट बनाई हुई है, उसे चेक कर लेते हैं। पहला यहाँ पर देख रहे हैं हम लोग डेटा ट्रांसफर, दूसरा अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन, तीसरा हमारा लॉजिकल इंस्ट्रक्शन, चौथा हमारा ब्रांच इंस्ट्रक्शन, और लास्ट हमारा स्टैक रिलेटेड इंस्ट्रक्शन। तो ये कुछ इंस्ट्रक्शन है जो कि हमारा 8086 के प्रोग्रामिंग 8085 के प्रोग्रामिंग के लिए हम इंस्ट्रक्शन डिसाइड करते हैं, और उसके लिए कुछ फॉर्मेट्स होते हैं, उस फॉर्मेट को हमको ध्यान देना होता है। उसी बेसिस पे हम ये पूरे इंस्ट्रक्शन पर जो ग्रुपिंग की गई है, इस ग्रुप के नाम है, उस नाम के आधार पर ही हम इंस्ट्रक्शन डिसाइड करते हैं और अपने प्रोग्राम को डिजाइन करते हैं। तो सबसे पहला होता है कि हमारा यहाँ पर देख रहे हैं हमारे पास डेटा ट्रांसफर का एक इंस्ट्रक्शन है जो डेटा ट्रांसफर करने का काम करता है। जैसे कि मैं आर्किटेक्चर बनाते वक्त भी आपको समझाया था कि डेटा ट्रांसफर हमारा मेमोरी से माइक्रो प्रोसेसर के रजिस्टर के बीच ट्रांसफर करने के लिए कुछ इंस्ट्रक्शन होंगे जो डेटा को एक जगह से दूसरी जगह भेजने का काम करेगा। तो वो हमारा डेटा ट्रांसफर के अंदर आता है, उस ग्रुप को डेटा ट्रांसफर के अंदर रखा जाता है। यहाँ डेटा ट्रांसफर रजिस्टर टू रजिस्टर भी होता है, और मेमोरी से रजिस्टर भी होता है, और रजिस्टर से मेमोरी होता है। तो कितने डायरेक्शन से हम यहाँ पर डेटा का ट्रांसफर करते हैं, वो चीज को हम यहाँ पर देखेंगे। दूसरा यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि जो आया हुआ डेटा है उसका अर्थमेटिक ऑपरेशन, जैसे कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, इस टाइप के कुछ इंस्ट्रक्शन होते हैं, वो इंस्ट्रक्शन कैसे किस फॉर्मेट में होगा, उस चीज को हम यहाँ पे देखेंगे। और होता है हमारा लॉजिकल इंस्ट्रक्शन, जैसे कि एंड गेट, ऑर गेट, जैसे हम डिजिटल में हम लोग पढ़ते हैं लॉजिक, वैसे ही डेटा के साथ लॉजिकल ऑपरेशन कराना है तो वो इंस्ट्रक्शन के कौन से फॉर्मेट होंगे, उसके लिए क्या क्या यूज किया जाएगा, वो चीज देखा जाएगा यहाँ पर। फिर आता है ब्रांच इंस्ट्रक्शन। ब्रांच इंस्ट्रक्शन में हम ये देखेंगे कि एक प्रोग्राम से दूसरे प्रोग्राम स्विच करना हो, या फिर हमारे विद इन अ प्रोग्राम हम एक जगह से दूसरे जगह इंस्ट्रक्शन को स्विच करना हो लाइन बाय लाइन, क्योंकि हमारा माइक्रो प्रोसेसर लाइन बाय लाइन हमारा प्रोग्राम को रीड करता है, फॉलो करता है और एग्जीक्यूट करता है। तो उस फॉर्मेट को अगर हमको लाइन बाय लाइन चल रहा है तो उसको हम किसी कंडीशनल वाइज अगर हम चेंज करना चाहते हैं कि हम पर्टिकुलर लाइन को एग्जीक्यूट करना चाहते हैं या पर्टिकुलर लाइन को बार बार रिपीट करना चाहते हैं, तो इस तरीके के कुछ इंस्ट्रक्शन होते हैं, उस चीज को हम यहाँ पर ब्रांच इंस्ट्रक्शन में देखते हैं। और इसमें कंडीशन, नॉन कंडीशनल जितने भी हमारे पास टाइप होंगे, उस चीज को हम यहाँ पर डिटेल में देखेंगे। यहाँ पर देख रहे हैं लास्ट वाला स्टैक। स्टैक एक मेमोरी होती है, स्टैक रिलेटेड मेमोरी, इसको एग्जाम्पल के साथ समझेंगे तब इसको क्लियर हम समझ पाएंगे, वो मैं आगे आपको बताऊंगा। तो चलिए लाइन से हम समझते हैं कि ये इंस्ट्रक्शन किस तरीके से काम करते हैं और इसके फॉर्मेट क्या क्या होते हैं, उस चीज को हम देखते हैं। तो चलिए पहला इंस्ट्रक्शन यहाँ पर देख रहे हैं हमारे पास डेटा ट्रांसफर करने का इंस्ट्रक्शन। तो डेटा कहाँ से कहाँ ट्रांसफर होगा, उस चीज को हम यहाँ पर देखते हैं। तो मान लीजिए हमारे पास ये माइक्रो प्रोसेसर है, ये माइक्रो प्रोसेसर 8085 है हमारे पास। अब माइक्रो प्रोसेसर के अंदर हमारे पास, अब मैंने बताया था कि कुछ रजिस्टर्स होते हैं जो कि पेयर भी होते हैं, तो उसके नाम मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। जैसे कि ए एक्यूमलेटर हमारे पास होता है, एक्यूमलेटर एक रजिस्टर होता है, वैसे हमारे पास पेयर रजिस्टर जो कि बी सी को हम पेयर में पढ़ते हैं, यहाँ पर बी और सी एक जनरल पर्पस रजिस्टर है जो कि इंडिविजुअली 8 बिट का, ये 8 बिट का है, सी भी 8 बिट का रजिस्टर है। वैसे ही डीई होता है, यहाँ पर डी रजिस्टर और ई रजिस्टर हमारा यहाँ पर एक जनरल पर्पस रजिस्टर है। सिमिलरली एच और एल हमारे पास यहाँ पर एक जनरल पर्पस रजिस्टर है। अब यहाँ पर हमको देखना है कि माइक्रो प्रोसेसर के साथ मान लीजिए कम्युनिकेट करने के लिए हमारे पास एक मेमोरी है, ये एक मेमोरी है जिसमें 8 बिट के बहुत सारे स्लॉट होंगे हमारे पास, वहां से हमको डेटा को एक जगह से दूसरी जगह भेजना होता है। तो हम यहाँ पर डेटा ट्रांसफर में हम ये चीज देखेंगे कि विद इन रजिस्टर टू रजिस्टर, मतलब रजिस्टर से रजिस्टर में अगर डेटा ट्रांसफर करना है, जैसे मान लीजिए
एल का डेटा हमको एच में भेजना है, या फिर एच का डेटा सी में भेजना है, या सी का डेटा डी में भेजना है, तो इस तरीके के इंस्ट्रक्शन अगर हमारे पास हैं, तो उसको बोला जाता है रजिस्टर टू रजिस्टर डेटा ट्रांसफर। मतलब यहाँ पर एक रजिस्टर से दूसरे रजिस्टर, एक रजिस्टर से दूसरे रजिस्टर, इस तरीके से हम रजिस्टर टू रजिस्टर डेटा का ट्रांसफर करते हैं। अगर ऐसा हम कर रहे हैं तो उस टाइप के ट्रांसफर को, इस टाइप के डेटा ट्रांसफर को बोला जाता है रजिस्टर टू रजिस्टर डेटा ट्रांसफर, मतलब आर टू आर। तो ये आर टू आर हमारे पास डेटा ट्रांसफर रजिस्टर होता है, तो ये आर से आर हमारे पास डेटा ट्रांसफर होता है। वैसे ही हमारे पास अगर मान लीजिए ये मेमोरी से, मेमोरी का आपको ध्यान होगा, मैंने एक बार बताया था आपको, मेमोरी का एक एड्रेस होता है, तो ये एड्रेस को बिलोंग करता है। मान लीजिए इस यहाँ पर एक डेटा अवेलेबल है हमारे पास, यहाँ पर एक डेटा है, मान लीजिए ए थ्री करके 8 बिट का हमारे पास डेटा है, यहाँ पर ए लिखा हूँ, 3 लिखा हूँ, वो हमारे पास हेक्साडेसिमल कोडिंग में लिखा हुआ हूँ। अगर इसको हम यहाँ पर बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो ये हमारे पास 8 बिट का डेटा बनेगा। तो मान लीजिए हमको यहाँ मेमोरी से किसी रजिस्टर में भेजना हो, तब यहाँ पर क्या होगा, मेमोरी से हमारा डेटा ट्रेवल करता हुआ किसी रजिस्टर, मान लीजिए सी रजिस्टर में ट्रेवल किया गया है, तो इसे कहा जाता है मेमोरी से रजिस्टर में डेटा ट्रांसफर हुआ है। वैसे ही हम किसी रजिस्टर से किसी मेमोरी में भी भेज सकते हैं। मान लीजिए ई रजिस्टर से निकला डेटा हम पर्टिकुलर एक एड्रेस को बिलोंग करते हुए मेमोरी लोकेशन में हम यहाँ पर डेटा को भेज रहे हैं, तो उस केस में हमारा रजिस्टर से मेमोरी का डेटा ट्रांसफर हुआ है। इस तरीके से हमारे पास डेटा ट्रेवल करता है। यहाँ पर देखेंगे एक्यूमुलेटर से हमारे पास किसी भी रजिस्टर पेयर में या रजिस्टर के किसी भी रजिस्टर में हम यहाँ पर डेटा को भेज रहे हैं, तो ये भी हमारा रजिस्टर टू रजिस्टर डेटा ट्रांसफर कहलाता है। यहाँ एक और चीज होता है कि हम यहाँ पर एक्यूमुलेटर का डेटा को या तो हम रजिस्टर में भेजते हैं या एक्यूमुलेटर का डेटा डायरेक्टली मेमोरी में भेजा जाता है। यहाँ पर एक और चीज होता है ध्यान रखेंगे, एक्यूमुलेटर से डेटा को हम रजिस्टर में भेज सकते हैं या एक्यूमुलेटर से डेटा को मेमोरी में भेज सकते हैं, बट ये प्रोसेस उल्टा नहीं होता है कि मतलब हम मान लीजिए मेमोरी से हम यहाँ पर एक्यूमुलेटर में कोई भेज रहे हैं या फिर इस तरीके से भेज रहे हैं, तो ये प्रोसेस नहीं होता है, तो इस चीज का हमको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो ये हो गया डेटा ट्रांसफर के लिए कि एक जगह से दूसरी जगह कैसे डेटा ट्रेवल करता है। तो डेटा ट्रांसफर के लिए हमारे पास कुछ इंस्ट्रक्शन होते हैं, उस इंस्ट्रक्शन को यूज करते हुए हम एक डेटा को एक जगह से दूसरी जगह भेजते हैं। यहाँ पर ध्यान रखेंगे कुछ हमारे पास एक प्रॉब्लम भी आएगी कि हम ऐसा चाह रहे हैं कि मेमोरी से मेमोरी क्यों नहीं हो रहा है डेटा ट्रांसफर। इस तरीके से मान लीजिए हम देखना चाह रहे हैं कि एक मेमोरी लोकेशन से दूसरे मेमोरी लोकेशन में हमको डेटा ट्रेवल करना है, तो हम क्या करेंगे, क्या इसके लिए अभी इंस्ट्रक्शन बने हुए हैं? तो ऐसा नहीं है कि ऐसा बना नहीं हुआ है, हमारे पास कुछ इंस्ट्रक्शन होते हैं जिसको हम रजिस्टर के द्वारा, रजिस्टर को यूज करते हुए ही हम एक डेटा मेमोरी लोकेशन से दूसरे मेमोरी लोकेशन में डेटा का ट्रेवल कर सकते हैं। तो ऐसे इस टाइप के प्रॉब्लम को हम डेटा ट्रांसफर के एग्जाम्पल में हम इस चीज को देखेंगे। तो ये हो गया हमारा डेटा ट्रांसफर के लिए हमारे पास ये इंस्ट्रक्शन इस तरीके के, जो रजिस्टर और मेमोरी के बीच डेटा ट्रेवल करने का काम करता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे जैसे कि हम देख रहे हैं दूसरा हमारे पास पॉइंट है जो कि अर्थमेटिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए होता है। जैसे मान लीजिए आपके पास डेटा है, उन डेटा का अर्थमेटिक ऑपरेशन करना है। जैसे मान लीजिए एक रजिस्टर है, रजिस्टर बी, और उसके साथ हम लोग को एडिशन करना है, मान लीजिए रजिस्टर एच। तो रजिस्टर बी और रजिस्टर एच में रखे हुए डेटा को हम एडिशन को ऑपरेशन कराएंगे, तो डेफिनेटली हमारा आंसर जाएगा एक्यूमुलेटर के अंदर, एक एक्यूमुलेटर में हमारे पास वो रजिस्टर उसका आंसर जाता है। तो इस टाइप का ऑपरेशन अगर हमको करना है, अर्थमेटिक ऑपरेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन या फिर लॉजिकल इंस्ट्रक्शन जैसे होते हैं, तो इस तरीके के इंस्ट्रक्शन के लिए हमारे पास ऑपरेटर होता है। उस ऑपरेटर के लिए डेडिकेटेड हमारे पास कुछ इंस्ट्रक्शन के सेट होते हैं, उस इंस्ट्रक्शन को यूज करते हुए हम अर्थमेटिक टाइप के प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, जिसमें हमारे पास एडिशन सब्ट्रैक्शन इस तरीके के प्रॉब्लम होते हैं, उस चीज को हम सॉल्व करते हैं। लास्ट हमारे पास एक और है, जैसे कि हमारे पास अगेन मान लीजिए लॉजिकल ऑपरेशन कराना चाहते हैं। तो लॉजिकल ऑपरेशन मान लीजिए अभी हमारे पास मान लीजिए सी में एक डेटा है और दूसरा एल रजिस्टर में कोई डेटा है, उनके बीच हमको
लॉजिकल ऑपरेशन करना है, जैसे कि हम यहाँ पर और ऑपरेशन कराना चाहते हैं, एंड ऑपरेशन, एक्सोर का ऑपरेशन, कुछ इस तरीके के ऑपरेशन अगर हम दो डेटा के बीच में, चाहे वो 8 बिट हो या 16 बिट हो, अगर रजिस्टर पेयर के बीच करना चाहते हैं तो वो भी हो सकता है। अगर हम एंड और नॉर इस तरीके के जो डिजिटल ऑपरेशन होते हैं, डिजिटल लॉजिकल ऑपरेशन होते हैं, इस तरीके के इंस्ट्रक्शन को यूज कर रहे हैं तो उसको हम बोलते हैं ये लॉजिकल इंस्ट्रक्शन के सेट उसे माने जाते हैं, तो उसके अंदर हमारा ये चीज आता है। और आगे देखेंगे हम तीसरा पॉइंट जो है हमारे पास, यहाँ पर देख रहे हैं हमारा चौथा पॉइंट है हमारे पास ब्रांच इंस्ट्रक्शन। तो ब्रांच इंस्ट्रक्शन किसे कहते हैं और क्या होता है उस चीज को हम देखेंगे। मान लीजिए आप एक प्रोग्राम लिख रहे हैं लाइन बाय लाइन, कुछ इस तरीके से आपके पास बहुत सारे इंस्ट्रक्शन करते हुए आपके पास एक प्रोग्राम है, यहाँ से यहाँ तक आपके पास एक मेन प्रोग्राम है। ये मेन प्रोग्राम माइक्रो प्रोसेसर का एग्जीक्यूशन कुछ इस तरीके से होता है कि पहली लाइन को पहले करें, उसके बाद दूसरे लाइन, फिर तीसरा लाइन, चौथा लाइन, एंड इस तरीके से इसका फ्लो आगे बढ़ता चला जाता है। कई बार ऐसा हमारे पास प्रॉब्लम आती है, जिस प्रॉब्लम को हमको करना ही होता है कि कुछ पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन को बार बार रिपीट करना होता है। मान लीजिए हमारे पास ये इस पर्टिकुलर लाइन में, हमारे पास ये इस लाइन में ऐसा इंस्ट्रक्शन है जिसको बार बार एग्जीक्यूट करने की जरूरत पड़ती है, तब हम यहाँ पर क्या करते हैं, आगे बढ़ते हुए यहाँ पर एक ऐसा इंस्ट्रक्शन लिखेंगे जो इस चीज को रिपीट करके वापस हमारे पास वो पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन में हमको वापस लेके जाएगा, ताकि हम उसको वापस एग्जीक्यूट कर पाए। तो हम ये इसलिए करते हैं क्योंकि हमको एक ही ऑपरेशन को पूरे प्रोग्राम में बार बार लिखने की जरूरत ना पड़े, जिससे क्या होता है प्रोग्राम एक तो बहुत लंबा हो जाता है, प्लस हमारे पास वहां पर मेमोरी स्पेस भी बढ़ जाती है। तो इस चीज को ओवरकम करने के लिए हम यहाँ पर ब्रांच इंस्ट्रक्शन को यूज करते हैं। मान लीजिए आपको 10 डिफरेंट टाइप के डेटा को ऐड करना है, ऐड का सर एडिशन का जो है अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन जो है उसका हम सिर्फ एक बार ही यूज करेंगे उसके इंस्ट्रक्शन को, और उस इंस्ट्रक्शन को बार बार हमको लूप के फॉर्म में उसको बार बार यूज करते हैं। 10 टाइम्स हम एडिशन करने के बाद फाइनल एक आंसर हम उसको ला लेंगे। तो उसके लाने के लिए हमारे पास क्या जरूरत होगी, एक लूपिंग के लिए यहाँ पर एक इंस्ट्रक्शन की जरूरत पड़ेगी। तो इस तरीके के इंस्ट्रक्शन को लूप, जो लूप फॉलो करता हो, उसको बोलते हैं ब्रांच इंस्ट्रक्शन। अब ब्रांच इंस्ट्रक्शन यहाँ पर दो टाइप के होते हैं, यहाँ पर ब्रांच इंस्ट्रक्शन दो टाइप का होता है, एक कंडीशनल होता है, एक नॉन कंडीशनल होता है। कुछ इंस्ट्रक्शन ऐसे होते हैं हम पर्टिकुलर कंडीशन को चेक करेंगे, अगर ये पर्टिकुलर केस फॉलो हो रहा है तब हम इस लूप को फॉलो करेंगे, वरना ये लूप टर्मिनेट होकर आगे प्रोग्राम एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाएगा। तो इस तरीके के अगर हम यहाँ पर कंडीशन डालते हैं तो उसको कंडीशनल इंस्ट्रक्शन कहते हैं, और दूसरा एक नॉन कंडीशनल होता है, वो अगर हमारा प्रोग्राम के विदिन प्रोग्राम आया तो वो लूप को एग्जीक्यूट कर देगा। तो इस तरीके से हमारे पास यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन होते हैं जो कि इस तरीके के प्रॉब्लम को सॉल्व करने का काम करता है, जिसको हम ब्रांच इंस्ट्रक्शन के अंदर रखते हैं। आगे देखेंगे यहाँ पर स्टैक रिलेटेड इंस्ट्रक्शन होते हैं। कुछ स्टैक रिलेटेड इंस्ट्रक्शन कहने का मतलब हमारे पास यहाँ पर मेमोरी स्पेस में हमारे पास कुछ यहाँ पर करते ही है कि कुछ डेटा को बाय प्रोग्रामिंग हम कुछ डेटा को स्टोर करते हैं, उस डेटा को हमको लाइन बाय लाइन उस डेटा को एक्सेस करना होता है, तब यहाँ पर स्टैक इंस्ट्रक्शन का यूज किया जाता है। स्टैक इंस्ट्रक्शन क्या होते हैं उसे देखते हैं। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए आपके पास ये मेमोरी लोकेशन, मेमोरी बैंक है जिसपे हमारे पास डेटा स्टोर्ड है। तो इस तरीके से हमारे पास स्टोर करने के लिए कुछ डेटा के लिए हमारे पास यहाँ स्पेस है। मान लीजिए स्टैक, क्योंकि मैंने आर्किटेक्चर समझाते हुए बताया था, स्टैक एक रजिस्टर है, एसपी के नाम से हम जानते हैं, आर्किटेक्चर में देखे थे, स्टैक पॉइंटर कहा जाता है। स्टैक पॉइंटर में हमारे पास एड्रेस होल्ड होता है, एसपी के अंदर जो एसपी होता है रजिस्टर, उसके अंदर एक एड्रेस स्टोर होता है जो कि 16 बिट का होता है। 16 बिट मान लीजिए A3B4, इस तरीके से A3B4 नाम से हमारे पास यहाँ पर एक एड्रेस है, जो कि फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए इस एड्रेस को बिलोंग कर रहा है यहाँ के एड्रेस को। तो यहाँ पर मान लीजिए कोई डेटा है B3A5F3 8F, कुछ इस तरीके से हमारे पास डेटा है, तो इस डेटा को एक्सेस करना है जो कि पहले से ही स्टोर्ड है। उस डेटा को यूज करने के लिए हम यहाँ पर बार बार मेमोरी लोकेशन को डिफाइन ना करके एसपी रजिस्टर पेयर जो कि हमारे पास है एसपी, वहां पर हम इस एड्रेस को
रखते हैं और इसको इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट के फॉर्म में इसको यूज करते हुए इस डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर स्टैक पॉइंटर हमारे पास ये काम करता है, जो कि डेटा को किसी मेमोरी से डेटा रिट्राइव करने का या किसी मेमोरी में डेटा को डालने का स्टैक मेमोरी काम करता है। तो यहाँ पर स्टैक पॉइंटर रिलेटेड हमारे पास बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं, उसको भी हम लोग लाइन बाय लाइन प्रॉब्लम को देखते हुए हम आगे देखते जाएंगे कि इसको इसके लिए कैसे कैसे प्रोग्राम आएंगे। तो ये हो गया हमारा पूरा इंस्ट्रक्शन सेट, जिसको ग्रुप के फॉर्म में हम इस तरीके से देखते हैं। तो चलिए हम कुछ इंस्ट्रक्शन को भी यहाँ पर देखेंगे कि कौन कौन से इंस्ट्रक्शन है जो कि हमारे पास इसको एग्जीक्यूट करने का काम आता है और उसके क्या क्या फॉर्मेट होते हैं, उसको किस किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, कुछ चीज को हम यहाँ पर देखेंगे। तो पहला हमारे पास यहाँ पर डेटा ट्रांसफर का है, डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन जो दिया हुआ है उसको हम देखेंगे। तो डेटा ट्रांसफर के लिए हमारे पास, जैसा कि मैंने बताया अभी, हमारे पास ये या तो हमारे पास रजिस्टर टू रजिस्टर ट्रांसफर होगा या तो मेमोरी रिलेटेड होगा। तो इस चीज के लिए हमारे पास कौन कौन से इंस्ट्रक्शन उसे देखेंगे। तो डेटा ट्रांसफर के लिए यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन है और इंस्ट्रक्शन का कौन सा फॉर्मेट है उस फॉर्मेट को पहले देख लेते हैं। तो हम 8085 में जितने भी इंस्ट्रक्शन लिखेंगे, तो सबसे पहला आएगा हमारा इंस्ट्रक्शन जो हमारे पास सेट है। सबसे पहले हम इंस्ट्रक्शन लिखेंगे कि वो किस टाइप का इंस्ट्रक्शन होगा, फिर उसके बाद हम लोग डेस्टिनेशन लिखेंगे, ये डेस्टिनेशन होगा हमारे पास। डेस्टिनेशन के बाद हम यहाँ पर सोर्स लिखेंगे। तो ये हो गया हमारे पास एक फॉर्मेट कि हम सबसे पहले इंस्ट्रक्शन लिखेंगे कि हम क्या करवाना चाहते हैं, क्या वो एडिशन का है कि अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट का हमारा इंस्ट्रक्शन है कि डेटा ट्रांसफर का इंस्ट्रक्शन है, वो किस टाइप का इंस्ट्रक्शन है उससे पहले लिखा जाएगा। उसके बाद डेस्टिनेशन को डिफाइन किया जाएगा, देन सोर्स को डिफाइन किया जाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास एक फॉर्मेट होगा, उस फॉर्मेट को यूज करते हुए हम यहाँ पर देखेंगे कि वो इंस्ट्रक्शन किस तरीके से लिखे जाएंगे। तो ये हो गया हमारा सेट की किस तरीके से हम बनाना चाहते हैं। अब यहाँ पर कुछ हमारे पास नॉमेनक्लेचर होते हैं जिसको हम समझेंगे कि उसको किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, उसका मतलब क्या होता है। जैसे मान लीजिए कुछ आर पी लिखा गया है, तो यहाँ पर आर का मतलब है रजिस्टर, ये रजिस्टर पेयर है, ये रजिस्टर पेयर को डिफाइन कर रहा है। आर पी लिखा गया है इसका मतलब वो रजिस्टर पेयर है। अब रजिस्टर पेयर का एग्जांपल हम जानते हैं, जैसे मैंने बी लिखा मतलब उसका होता है बीसी, अगर मैंने डी लिखा है इसका मतलब होता है डी, अगर मैंने एच लिखा तो उसका मतलब होता है एच एल। तो ये हो गया हमारा पेयर रजिस्टर जिसको हम डिफाइन करते हैं, बट हम सिर्फ लिखते हैं उसके अपर रजिस्टर को, जो हायर रजिस्टर होता है उसका नाम लिखा जाता है। जैसे बीसी में बी बड़ा है, डी में डी बड़ा है, एच एल में एच बड़ा है, तो हम उसका नाम लिखते हैं और उससे हमको पता चल जाता है कि कौन सा रजिस्टर पेयर में कंजुगेटेड कौन सा रजिस्टर है जिसका उसके साथ लिंक है। तो बी लिखा गया इसका मतलब साथ में सी रजिस्टर उसके साथ बाय डिफॉल्ट होगा। तो ये तरीका होता है रजिस्टर पेयर को डिफाइन करने के लिए। यदि हम यहाँ पर कोई डेटा लिखे हैं, डेटा लिखने के बाद अगर 16 लिखा गया है तो इसका मतलब वो 16 बिट का डेटा है, मतलब हम डेटा जो प्रोवाइड कर रहे हैं वो 16 बिट का डेटा प्रोवाइड कर रहे हैं। वैसे ही अगर डेटा हमारा 8 बिट का है तो हम नीचे में 8 लिखेंगे और वो हमारा 8 बिट का डेटा कहलाएगा। तो ये तरीका होता है इस चीज के, हम इस चीज से हम यहाँ पर डिफाइन करते हैं। और सिर्फ हम रजिस्टर आर लिखते हैं तो रजिस्टर आर लिखने का मतलब यहाँ पर 8 बिट का डेटा होगा। 8 बिट का डेटा रजिस्टर मतलब या तो वो बी सी एच एल डी ई या फिर एक्यूमुलेटर। तो इस तरीके से हमारे पास अगर हमने रजिस्टर लिखा है तो रजिस्टर का मतलब हमारे पास ये होगा कि वो इंडिविजुअल 8 बिट का कोई भी जनरल पर्पस रजिस्टर या एक्यूमुलेटर हो सकता है। तो ये तरीका होता है हम इस तरीके से अगर किसी नॉमिनेचर को हम डिफाइन कर रहे हैं तो इसका मतलब ये होगा। एक लास्ट होता है एम, एम का मतलब होता है मेमोरी, एम का मतलब मेमोरी। इसका मतलब यह है कि हम एम लिखे इसका मतलब वो मेमोरी रिलेटेड इंस्ट्रक्शन है, मेमोरी से रिलेटेड वर्क करेगा। यहाँ पर इम्पोर्टेंट चीज एक चीज समझना है, अगर कोई भी इंस्ट्रक्शन में हमारे पास एम दिख रहा है या सोर्स में या डेस्टिनेशन में, जैसे हमने बताया था पहले इंस्ट्रक्शन लिखेंगे, डेस्टिनेशन लिखेंगे, उसके बाद सोर्स लिखेंगे,
तो डेस्टिनेशन और सोर्स की जगह पर अगर एम लिखा हुआ है तो ये बाय डिफॉल्ट हो जाता है इंस्ट्रक्शन में कि एचएल पेयर रजिस्टर के अंदर हमारे पास एड्रेस होगा, मतलब एचएल पेयर में कुछ भी डेटा हो वो उसे एज अ एड्रेस लेगा और उस एड्रेस को यूज करते हुए मेमोरी लोकेशन में या तो डेटा आएगा या तो वहां से डेटा जाएगा। तो इस तरीके से हम एचएल पेयर को ध्यान देते हैं। जब भी हम एम का इंस्ट्रक्शन यूज करते हैं उस केस में हमको ध्यान रखना होता है कि एचएल पेयर में डेटा क्या अवेलेबल है। अगर हमारा जो सोर्स जहां पर हम डेटा को स्टोर करना चाहते हैं या डेस्टिनेशन जिस एड्रेस पर हमको डेटा स्टोर करना है उस डेटा जहां रखा जा रहा हो उसका एड्रेस एचएल पेयर में होना जरूरी है, तभी हम उस पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन से हम डेटा ट्रांसफर कर पाते हैं। तो एम इंस्ट्रक्शन को यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है, इस चीज को हमको हर बार हर इंस्ट्रक्शन में ध्यान देना होता है। अगर हम एम इंस्ट्रक्शन यूज कर रहे हैं उस केस में एचएल पेयर जो एचएल पेयर रजिस्टर है उस रजिस्टर में क्या डेटा है उसका ध्यान रखना होता है। तो ये हो गया हमारा तरीका कि किस तरीके से हम किसी इंस्ट्रक्शन को किस तरीके से डिफाइन करेंगे उस चीज को देखते हैं। चलिए अब हम यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन जो डेटा ट्रांसफर करने के लिए यूज किया जाता है कुछ इंस्ट्रक्शन एग्जांपल के साथ हम यहाँ पर देखते हैं। तो एग्जांपल के साथ यहाँ देख रहे हैं, मान लीजिए एक डेटा है जो कि बी में एक डेटा स्टोर्ड है, बी में डेटा है मान लीजिए 34 और उसको सी रजिस्टर में हमको भेजना है और सी रजिस्टर में बाय डिफॉल्ट अभी मान लीजिए A3 नाम से एक डेटा अवेलेबल है, ये बिफोर है, बिफोर इंस्ट्रक्शन हमारे पास ये केस है, बट हमको करना ये है कि B का डेटा हमको C में ट्रेवल करना है। तो B का डेटा C में ट्रेवल तभी करेगा जब हम यहाँ पर एक इंस्ट्रक्शन लिखेंगे मूव का। तो हमारे पास एक इंस्ट्रक्शन होगा मूव, MOV मूव लिखेंगे। मूव लिखने के बाद हमारे पास यहाँ देख रहे हैं कि कौन सा डेटा हमारे यहाँ से सी में जाने वाला है, तो सोर्स हमारा हुआ बी और डेस्टिनेशन हमारा हुआ रजिस्टर सी। तो हम यहाँ पर मूव लिखेंगे, अब यहाँ पर रजिस्टर R8B, R8B, इसका मतलब क्या हुआ कि हम रजिस्टर टू रजिस्टर डेटा ट्रांसफर कर रहे हैं वो भी 8 बिट का, क्योंकि हमारा बी और सी दोनों ही रजिस्टर हमारा 8 बिट को स्टोर कर सकता है। तो यहाँ पर हम इंस्ट्रक्शन लिख रहे हैं मूव रजिस्टर टू रजिस्टर। तो ये हो गया हमारा, इस तरीके से हम इंस्ट्रक्शन लिखेंगे। अब इसके लिए एग्जांपल जो दिया गया है एग्जांपल के तौर पे हम लिख सकते हैं मूव रजिस्टर का नाम हमारे पास पहला इंस्ट्रक्शन लिख लिया गया है, उसके बाद हम यहाँ पर डेस्टिनेशन लिखेंगे। तो डेस्टिनेशन रजिस्टर यहाँ पर सी है, तो यहाँ सी लिखेंगे कॉमा बी लिखेंगे। तो ये हो गया हमारा इंस्ट्रक्शन कम्प्लीट। इस इंस्ट्रक्शन के एग्जीक्यूशन के बाद हमारे पास यहाँ पर प्रोसेस के बाद हमारे पास यहाँ हो जाएगा बी रजिस्टर में जो डेटा है हमारा 34 वो 34 एज इट इज रहेगा, बट सी जो हमारा है वो अपडेट होकर 34 हो जाएगा। तो ये आफ्टर हमारे पास ये इंस्ट्रक्शन आएगा। तो आपका इंस्ट्रक्शन बी का रहा है क्योंकि ये तो हमारा सोर्स था, तो सोर्स का डेटा एज इट इज रह जाएगा बट डेस्टिनेशन का जहां पर हमको डेटा को भेजना था वहां का डेटा अपडेट हो जाएगा, A3 की जगह ये 34 हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास ये डेटा एक रजिस्टर से दूसरे रजिस्टर में भेजा जा सकता है। सिमिलरली हम बहुत सारे इंस्ट्रक्शन लिख सकते हैं मूव D, E, मूव H, L, मूव B, A। तो इस तरीके से अगर हम लिख रहे हैं तो इसका मतलब हो रहा है कि हमारा डेटा ट्रेवल करेगा एक रजिस्टर से दूसरे रजिस्टर में। तो यहाँ पर ये डेस्टिनेशन है और ये हमारा सोर्स है, तो इसका मतलब क्या हुआ हमारा E से डेटा निकलकर D रजिस्टर में जाएगा, यहाँ पर L से डेटा निकलकर H रजिस्टर में जाएगा और A का रजिस्टर का डेटा हमारे पास बी रजिस्टर में जाएगा। तो ये इस तरीके से हम एक रजिस्टर से दूसरे रजिस्टर में अगर डेटा हमको मूव कराना होता है तब हम इस तरीके के इंस्ट्रक्शन जिसको बोला जाता है मूव इंस्ट्रक्शन MOV ध्यान रखेंगे। सारे इंस्ट्रक्शन हमारे कैपिटल में होते हैं, कैपिटल में इसका इंस्ट्रक्शन को लिखा जाता है।
तो यहाँ हम देख पा रहे हैं कि एक रजिस्टर से दूसरे रजिस्टर में जब डेटा भेजा जाता है तो हम यहाँ पर मूव लिखते हैं, MOV, मूव। अब मान लीजिए हमको यहाँ पर एक डेटा को किसी इमीडिएट डेटा मीन्स हमारे पास कोई एक डेटा होगा डायरेक्टली हमको किसी रजिस्टर में डालना होगा तो क्या करेंगे, मतलब हमारे पास एक डेटा होगा, इस डेटा को एक पर्टिकुलर रजिस्टर 8 बिट के रजिस्टर में हमको डालना है, कोई 8 बिट का कोई रजिस्टर है उसमें हमको डालना है, तब हम किस तरीके से करेंगे। तो हमारे पास यहाँ 8 बिट का डेटा होगा, एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए 3F करके हमारे पास एक डेटा है, इस डेटा को किसी रजिस्टर पेयर में, रजिस्टर जो हमारे पास 8 बिट का है वो कौन कौन से है, जैसे B, C, H, L, D और E, इन रजिस्टर में हम डायरेक्टली किसी डेटा को भेज सकते हैं और हमारे पास एक एक्यूमुलेटर। इस तरीके से हम किसी रजिस्टर में अगर हम यहाँ पर डेटा भेजना चाहते हैं डायरेक्टली, जो कि यूजर डायरेक्ट हमको एक रजिस्टर में डालना चाह रहा है, तब कौन सा इंस्ट्रक्शन यूज करेंगे। तो जैसे हम वहां पर रजिस्टर टू रजिस्टर में MOV लिखे थे, यहाँ पर लिखते हैं MVI। यहाँ जो I है इसको बोला जाता है इमीडिएट डेटा, इमीडिएट डेटा इंस्ट्रक्शन है यहाँ पर। इमीडिएट डेटा मतलब हम जो डेटा को डायरेक्टली प्रोवाइड कर रहे हैं, ना कि किसी रजिस्टर से रजिस्टर भेज रहे हैं, यहाँ पर डेटा यूजर डायरेक्टली किसी रजिस्टर में डालना चाह रहा है, तो इसलिए इसको इमीडिएट डेटा कहा जाता है। और जहां भी आई, किसी भी इंस्ट्रक्शन के आखिरी में अगर आई लगा हुआ है तो मतलब वो इमीडिएट डेटा है। अब वो इमीडिएट डेटा या तो 8 बिट का हो सकता है या 16 बिट का हो सकता है। तो यहाँ पर हम अभी 8 बिट के डेटा को लिख रहे हैं, यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, तो इसको किस तरीके से लिखा जाएगा। तो इसके लिए फॉर्मेट कुछ इस तरीके से है, MVI लिखेंगे, MVI, क्योंकि हमारे पास ये डेटा है तो डेटा ऑलवेज हमारा सोर्स हो सकता है ना कि डेस्टिनेशन, क्योंकि डेटा में कभी भी दूसरा डेटा नहीं जा सकता क्योंकि वो तो डेटा है, बट किसी रजिस्टर में डेटा जा सकता है, तो इसीलिए ऑलवेज डेस्टिनेशन हमारा क्या हो सकता है, हमारा रजिस्टर हो सकता है, डेटा कभी भी डेस्टिनेशन हो नहीं सकता। तो इसीलिए हम यहाँ पर डेस्टिनेशन में यहाँ पर रजिस्टर लिखेंगे, तो रजिस्टर कौन सा होगा हमारा, 8 बिट का कोई भी रजिस्टर होगा, देन कॉमा वो डेटा, जो डेटा हम 8 बिट का डेटा प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये हो गया इस इंस्ट्रक्शन का फॉर्मेट, कि किस तरीके से हम इसका फॉर्मेट तैयार करेंगे। अब इसके लिए एग्जांपल, जो कि हम ये एग्जांपल यूज कर रहे हैं, उस एग्जांपल के तौर पे हम यहाँ पर क्या लिखेंगे उस चीज को देखते हैं। तो लिखेंगे MVI इंस्ट्रक्शन लिखे, रजिस्टर कोई भी रजिस्टर जो 8 बिट का है, जैसे एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पर लिख दिया H, और ये इमीडिएट डेटा जो कि 3F है, यहाँ पर लिखेंगे 3F H, यहाँ पर हेक्साडेसिमल है, यहाँ पर ध्यान देंगे रजिस्टर नहीं है। किसी भी इमीडिएट डेटा के बाद हम यहाँ पर H लिखते हैं जो कि हेक्स कोड का H है, तो H यहाँ पर ध्यान देंगे, यहाँ का H ये डेस्टिनेशन वाला H है, जो कि रजिस्टर हमारे पास जो कि 8085 के अंदर जो रजिस्टर है उसके बारे में बात किया जा रहा है, और यहाँ का H हेक्स कोड के बारे में बात किया जा रहा है। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, MVI C, 4F, H, तो इस तरीके से लिख रहे थे। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे H जो रजिस्टर है उसके अंदर 3F डेटा डायरेक्टली हम यहाँ पर प्रोवाइड किए हैं 3F, कुछ इस तरीके से, तो हम उस डेटा को यहाँ पर इसमें इंसर्ट करेंगे। वैसे ही C रजिस्टर में इस इंस्ट्रक्शन के बाद हमारे पास 4F डेटा अपडेट हो जाएगा 4F, तो 4F डेटा हमने यहाँ पर इसके सी रजिस्टर के अंदर डाल दिया। तो इस तरीके से किसी इमीडिएट डेटा को, जो डायरेक्टली डेटा है उसको हम किसी रजिस्टर में डालना चाह रहे हैं, तो इस तरीके से हम लिखेंगे। एक और जो कि एक्यूमुलेटर के साथ मैं बता देता हूँ, यहाँ भी वही होता है, MVI A, मान लीजिए 30H लिखे हैं, तो एक्यूमुलेटर के अंदर हमारे पास 30 डेटा अपडेट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम रजिस्टर में कोई भी डेटा को डायरेक्टली MVI इंस्ट्रक्शन के थ्रू हम यहाँ पर डेटा फीड कर सकते हैं। वैसे ही यहाँ पर जैसे हमने 8 बिट का डेटा को देखा है, अब यहाँ पर हम देखेंगे 16 बिट के डेटा को किस तरीके से भेजा जाएगा। अगर आपके पास कोई डेटा है, ये पहला एग्जांपल था, दूसरा एग्जांपल हमारे पास क्या है, डेटा अगर
16 बिट का है, तब हम लोग यहाँ पर आरपी लिखेंगे, क्योंकि आरपी का मतलब होता है रजिस्टर पेयर, तो रजिस्टर पेयर लिखा जाएगा, रजिस्टर पेयर के अंदर डेटा भेजा जाएगा। तो हम डेटा प्रोवाइड करेंगे 16 बिट का, तो 16 बिट का डेटा मान लीजिए 2F3A, ये हमारे पास एक डेटा है जो कि 16 बिट का डेटा हो गया। अब इस किसी रजिस्टर पेयर में, अब रजिस्टर पेयर में मतलब बी का मतलब होगा हमारा बीसी, एच लिखे इसका मतलब एचएल, और डी लिखे इसका मतलब डी रजिस्टर पेयर होगा हमारा। तो इस तरीके से हम रजिस्टर पेयर पे हायर जो बिट है, हायर जो रजिस्टर उसका नाम लिखते हैं। अब इसका फॉर्मेट देखेंगे, जैसा हम यहाँ पर देखे थे 8 बिट के साथ कि हमारा ये हमेशा सोर्स होगा, वैसे ही 16 बिट भी हमारा हमेशा सोर्स होगा, वो डेस्टिनेशन हो नहीं सकता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे LXI, यहाँ पर LXI का मतलब क्या है यहाँ पर देखेंगे, तो ये L का मतलब होता है लोड, X का मतलब होता है 16 बिट, I का मतलब होता है इमीडिएट डेटा। तो इंस्ट्रक्शन में हर एक एक वर्ड का मतलब होता है, अगर उस चीज को हम याद रखेंगे तो हम उसके एक्शन या उसका परफॉर्मेंस को भी याद कर पाएंगे। तो यहाँ पर L का मतलब होगा लोड, X का मतलब है 16 बिट, और I का मतलब है हमारा इमीडिएट डेटा। तो LXI करके एक फॉर्मेट होता है जिसमें इंस्ट्रक्शन के लिए हम यहाँ पे यूज करते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर सोर्स डेस्टिनेशन लिखेंगे, रजिस्टर पेयर, और उसके बाद वो डेटा जो 16 बिट का डेटा होगा। तो ये हो गया हमारा फॉर्मेट जैसे 8 बिट में हमने लिखा था। अब यहाँ पर इस इंस्ट्रक्शन के थ्रू हम यहाँ पर देखेंगे कि हमारे पास एग्जाम्पल कौन कौन से हैं। तो एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पर लिख रहे हैं LXI B, 3040H, ये हो गया हमारा 16 बिट का डेटा, H हमारा हेक्स कोड हो गया, B हमारा सोर्स डेस्टिनेशन हो गया, और यहाँ LXI वो इंस्ट्रक्शन हो गया। अब इसका मतलब क्या हुआ कि बाय डिफॉल्ट अब मान लीजिए BC रजिस्टर जो है, BC में पहले मान लीजिए हमारे पास डेटा है 3484, कुछ इस तरीके से हमारे पास पहले डेटा अवेलेबल था। अब जैसे ही एग्जीक्यूट होगा ये हमारा इंस्ट्रक्शन, जैसे ही एग्जीक्यूट होगा तो ये अपडेट हो जाएगा इस डेटा के साथ, जो बीसी का डेटा है अब अपडेट होकर 3040 हो जाएगा। ये बिफोर है और ये आफ्टर है। तो इस तरीके से आफ्टर एग्जीक्यूशन हमारे पास जो बीसी रजिस्टर पेयर, ये बी है और ये सी है, ये बी रजिस्टर है और ये सी रजिस्टर है, इस तरीके से अपडेट हो जाएगा डायरेक्टली 16 बिट डेटा थ्रू रजिस्टर पेयर। तो ये फॉर्मेट होता है, LXI डिसाइड कर देता है कि डेस्टिनेशन हमारा 8 बिट का है या 16 बिट का है। तो इसी तरीके से हमारे पास और भी इंस्ट्रक्शन हम यहाँ पर लिख सकते हैं LXI H, A3 4C H। तो अगर इस तरीके से लिख रहे हैं तो हमारा एच एल पेयर रजिस्टर में हमारे पास वो डेटा आ जाएगा A3 4C। तो A3 4C इस तरीके से हमारा 16 बिट का डेटा रजिस्टर पेयर एच एल रजिस्टर पेयर में आ जाएगा। तो इस तरीके से हम एक इंस्ट्रक्शन लिखते हैं, डेस्टिनेशन लिखते हैं और सोर्स लिखते हैं, यही हमारा फॉर्मेट होता है, इसी तरीके से हम इसको फॉलो करते हैं। डेटा ट्रांसफर में और भी बहुत सारे इंस्ट्रक्शन है जिसको मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा। आज के लिए इतना, ओके, थैंक यू।